हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे पनीर रोल। वीडियो स्किप ना करें आप लोग प्लीज़, और वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करते हैं। चलो बनाना शुरू करते हैं पनीर रोल। पनीर रोल बनाने के लिए हमने ले लिया है पनीर, 100 ग्राम पनीर है, एक शिमला मिर्च है, ये 3 प्याज है, 2 हरी मिर्च है, ये सलाद के लिए ले लिया है कुकुम्बर और थोड़ी सी हरी धनिया। तो इन सभी को हम कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पनीर को कट कर लेते हैं पतली पतली स्लाइस में। सभी पनीर को मैंने कट कर लिया है। इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। धनिया पत्ती कट कर लेती हूँ। अब मिर्ची कटिंग कर लेते हैं छोटी बारीक। बारीक मिर्ची कटिंग कर ली, इसको रख देते हैं। शिमला मिर्च को कटिंग कर लेते हैं, इसका वेस्ट पार्ट निकाल देते हैं। कटिंग कर ली है बारीक, इसको भी रख लेते हैं बर्तन में। हमने प्याज ली है छोटे साइज की। ये क्या होती है छोटे साइज में, ये बहुत सॉफ्ट होती है खाने में और बहुत टेस्टी होती है, इसलिए हमने छोटी प्याज का यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में छोटे प्याज ही देते हैं खाने में सलाद के साथ, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है खाने में, टेस्टी होती है बड़े प्याज के अकॉर्डिंग। तो प्याज को हम बारीक बारीक काट लेंगे। इसका बीज का पार्ट खराब था तो हमने निकाल लिया है, इसको भी ऐसा चॉप कर लेंगे। देखिए सभी प्याज को मैंने लंबी में चॉप कर लिया है। हम इसको भी इधर साइड में रख लेते हैं, सभी प्याज की कटिंग कर लेते हैं। खीरों को हम 2 टुकड़े में काट लेंगे, इसी पत्ते पत्ते स्लाइस कर लेंगे। सभी खीरों के हम कट कर लेंगे। देखिए मैं लंबाई में इसको भी कट कर लिया है खीरे को, इसको भी बर्तन में रख लेते हैं। ये देखिए सभी चीज़ों को हमने कट करके रेडी कर लिया है। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस तरफ। कढ़ाई ले ली है मैंने, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। कढ़ाई पहले गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, टेबल स्पून ऑयल, और उसमें डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून बटर। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे अनियन, इसको हम चला लेंगे। इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च कटी हुई, सादा साथ में डाल देंगे
कटी हुई मिर्च, हरी पका लेंगे। इसको ओवर कुक नहीं करना है। इसमें डाल देंगे पनीर की स्लाइस, इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, स्वाद अनुसार सॉल्ट, और इन चीज़ सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। इसमें डाल देंगे हम किसान टमाटो केचप, इसमें डाल देंगे किसान केचप एक बड़ा चम्मच। इसमें डाल देंगे सजवान चटनी एक चम्मच, वो भी डाल देंगे सजवान चटनी। इन सभी को अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ये बन के रेडी हो गया, इसको हम नीचे उतार लेंगे। लास्ट में थोड़ा ऐड कर देंगे धनिया, हरी धनिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, हमारे अच्छे से कुक भी हो गई हैं। इसको हम नीचे उतार लेते हैं। पनीर रोल बनाने के लिए हमने ले ली है रोटी, मैदे की यूज़ नहीं करना है, हमने मैदे का सीट नहीं बनाया है, तो हमने घर की बनी हुई रोटी ली है। तो आज इससे हम बनाएंगे पनीर रोल। तो इसको सेकना शुरू करते हैं। तब रख दिया है गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले हम लगा देंगे बटर अच्छे से, इसके ऊपर रोटी सेक लेंगे दोनों साइड से अच्छे से। इसके ऊपर ही बटर लगा देंगे। इसको बनाना कितना आसान है, खास बैचलर के लिए जो अपने पेरेंट्स से अपने घर वालों से दूर रहते हैं, वो इजली बना के खा सकते हैं। इसको हम थोड़ा से कड़क सेक लेना है। ये वीडियो उन लोग लिए जो घर से दूर रहते हैं, बेचारे बैचलर हैं, उनका पनीर खाने मन करता है, लेकिन कोई कोई होता ना, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो घर पे रोटी बच जाए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ला के कम पैसों में भी अच्छा दो रोल बना लेंगे तो उनका पेट अच्छे से भर जाएगा। रोटी हमने अच्छे से सेक ली है, इसको हम उतार लेते हैं रोटी को। तेल के डाल थोड़ा स्वाद अनुसार सॉल्ट, थोड़ी सी सेजवान चटनी, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रोटी को ले लिए, इसमें लगा लेंगे, रोटी में सॉस लगा लेंगे, केचप इसमें मेयोनीज भी लगा देंगे। अब इसकी हम फिलिंग डाल देंगे इसमें। ऊपर डाल देंगे ओरियानो, ऊपर डाल देंगे हमने सैलेड जो बनाया था इसमें। और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ग्रेडी हो गया है, आप इसको फॉइल में भी लपेट सकते हो ताकि खाते समय नीचे से गिरे ना। तो मैंने दोनों तरीके से आपको दिखा दिया है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।